साथियों, अगर मैं सरकार की बात करूं तो पहले ऐसा कहा जाता था कि खिलाड़ी सरकार के लिए है, लेकिन अब कहा जाता है कि सरकार पूरी की पूरी खिलाड़ियों के लिए है। जब सरकार और नीतियां बनाने वाले जमीन से जुड़े होते हैं, जब सरकार खिलाड़ियों के हित के प्रति संवेदनशील होती है, जब सरकार खिलाड़ियों के संघर्ष, उनके सपनों को समझती है, तो इसका सीधा प्रभाव सरकार की नीतियों में भी दिखाई देता है, अप्रोच में भी दिखाता है, सोच में भी दिखता है। देश में बेहतरीन खिलाड़ी पहले भी थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाली नीतियां नहीं थी, ना अच्छी कोचिंग की व्यवस्था, ना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ना ही जरूरी आर्थिक मदद। तो फिर हमारे खिलाड़ी कैसे अपना परचम लहराते हैं? बीते 9 वर्षों में देश उस पुरानी सोच और पुरानी व्यवस्था से बाहर निकल गया है। आज देश में एक ऐसे खिलाड़ी है, कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन पर 4-4, 5-5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार की अप्रोच अब एथलेट सेंट्रिक हो है। सरकार अब एथलेट्स के सामने से ऑब्स्टेकल्स दूर कर रही है, अपॉर्चुनिटीज बना रही है। कहा जाता है पोटेंशियल प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। जब पोटेंशियल को उचित प्लेटफॉर्म मिल जाए तो परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाती है। खेलो इंडिया जैसी योजनाएं खिलाड़ियों के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बनी है, जिनसे हमारे एथलीट्स को ग्रास रूट लेवल पर खोजने और सपोर्ट करने का रास्ता खुला है। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि कैसे टॉप्स इनिशिएटिव हमारे एथलीट्स को उनका प्रदर्शन सुधारने में मदद कर रहे हैं। पैरा एथलीट्स को मदद करने के लिए हमने ग्वालियर में डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की है। और आप में जो लोग गुजरात से परिचित होंगे, उनको मालूम होगा कि इस दुनिया में सबसे पहले प्रवेश करने का प्रयास गुजरात से शुरू हुआ था और धीरे 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 करके एक पूरा कल्चर विकसित हो गया है। आज भी वो गांधीनगर के इंस्टीट्यूट, आप में से बहुत लोग हैं जो शायद वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग पर रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सारे इंस्टीट्यूशंस जब आकार लेती है तो तब उसका सामर्थ्य पता नहीं होता है, लेकिन जब निरंतर वहां साधना होती है तो सामर्थ्य की अनुभूति देश करने लग जाता है। मुझे विश्वास है कि ये जो सारी फैसिलिटीज है, आप जैसे कई और विजेता देश को मिलने वाले हैं, मेरा पूरा भरोसा है।